माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट योर ऑनलाइन स्टडी आफ्टर योर हाफ ईयरली एग्जाम। सो बी रेडी फॉर रिटन वर्क एंड ओपन योर टेक योर मोरल वैल्यूज बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 7। यस स्टूडेंट, इट इज़ योर चैप्टर नंबर 7, अ गिल्टी थीफ। अ गिल्टी थीफ मीन्स दोषी चोर। रवि सिटिंग बाय हिमसेल्फ ऑन अ बेंच इन द पार्क। रवि पार्क में एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। ही सेड एज ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप विच ही बैडली नीड्स। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लैपटॉप नहीं था। ही हैज़ ऑन एन ओल्ड स्लो कंप्यूटर दैट डज नॉट वर्क वेल फॉर हिज स्लाइनली प्रोजेक्ट्स। उसके पास एक पुराना और बहुत धीमा चलने वाला कंप्यूटर था जो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय हिमसेल्फ अ लैपटॉप। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास अपने लिए लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ही स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स टू वॉक थ्रू द पार्क। वह खड़ा हुआ और पार्क में इधर उधर घूमने लगा। सून ही सीज एन ओल्ड लेडी सिटिंग ऑन अनदर बेंच। जल्दी ही उसने देखा कि दूसरी बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ही हैज़ अ ब्यूटिफुल लैपटॉप इन हर लैप एंड शी वॉज डूइंग समथिंग ऑन दैट। वह उसके पास बहुत सुंदर लैपटॉप था जो उसके गोद में रखा हुआ था और वो उस लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। रवि लुक्स एट हर एंड थिंक्स टू हिमसेल्फ, शी इज़ एन ओल्ड लेडी, शी डज नॉट नीड इट फॉर एनीथिंग इम्पोर्टेंट। रवि ने उसे देखा और अपने दिमाग में सोचा कि ये तो बूढ़ी औरत है, यह कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रही होगी। रवि थिंक्स अबाउट हिज स्टडी प्रोजेक्ट्स फॉर विच ही नीड्स अ लैपटॉप। रवि ने अपने स्टडी प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा जिसे कि लैपटॉप की ज़रूरत थी। ही नोज ही कैन जस्ट ग्रैब इट फ्रॉम द ओल्ड लेडी। वह जानता था कि वह उसे उस ओल्ड लेडी से छीन सकता है। सडनली देयर वॉज सम नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द पार्क। थोड़ी देर बाद ही अचानक से वहाँ पर पार्क की दूसरी तरफ से बहुत तेज़ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। द ओल्ड लेडी पुट द लैपटॉप ऑन द बेंच एंड वेंट टू सी वॉट वॉज हैपनिंग। द ओल्ड लेडी ने उस लैपटॉप को बेंच पे रखा और ये देखने के लिए चली गई कि वहाँ क्या हो रहा था। रवि टेक्स हिज परफेक्ट चांस, ग्रैब्स द लैपटॉप एंड क्विकली वॉक्स अवे। रवि को परफेक्ट चांस मिल गया और उसने लैपटॉप वहाँ से उठाया और वहाँ से जल्दी से निकल गया। द नेक्स्ट डे रवि ट्राइज टू यूज़ द लैपटॉप फॉर अ प्रोजेक्ट। अगले दिन रवि ने अपने उस लैपटॉप को प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना की कोशिश की। बट ही फील्स गिल्टी एंड नर्वस। लेकिन वह बहुत गिल्टी नर्वस फील कर रहा था। ही कैन नॉट एवन ओपन इट। वह उसे ओपन नहीं कर सका बिकॉज ही फील सो बैड अबाउट स्टीलिंग इट। वह उसने जो उसे चुराया था उसके लिए बहुत बैड फील कर रहा था। ही एवर कैन नॉट टेक टू लुक एट इट बिकॉज ही फील्स टेरेबली गिल्टी। वह उसे देख नहीं सका क्योंकि वह बहुत टेरेबली यानी कि बहुत गहराई से गिल्टी फील कर रहा था। When one of Ravi's friend comes over that afternoon, जब एक दिन रवि का दोस्त दोपहर में उसके पास आया, he tried to hide the laptop. उसने उस लैपटॉप को छुपाने की कोशिश की. He does not want anyone to know that he stole it. वह किसी को बताना नहीं चाहता था कि उसने उसे चुराया है. He feels embarrassed. वह शर्मिंदगी महसूस करता था. As the days passed, जैसे ही दिन गुजरे, रवि बिकम्स ग्रम्पी। रवि बहुत दुखी हो गया। ही इज़ ऑलवेज इन अ बैड मूड। वह हमेशा अपने बैड मूड में रहता था। एंड ही डज नॉट वर्क हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट्स। और वह अपने प्रोजेक्ट पर वर्क हार्ड नहीं कर पा रहा था। रवि फाइनली डिसाइडेड ही कैन नॉट टेक इट एनी मोर। रवि ने फाइनली डिसाइड किया कि वह और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ही गोज बैक टू द पार्क होपिंग टू फाइंड द ओल्ड लेडी एंड रिटर्न हर लैपटॉप। वह उस पार्क में गया इस आशा से कि उसे वो बूढ़ी औरत वहाँ मिलेगी जिससे वो उसे उसका लैपटॉप वापस कर देगा। ही वेट्स एंड वेट्स। उसने इंतज़ार पर इंतज़ार किया। बट शी डज नॉट अराइव। लेकिन वह नहीं आई। शी गोज टू द पार्क फॉर अबाउट 2 वीक्स डेली। वह पार्क में 2 हफ्ते तक डेली जाता रहा। बट ही कुड नॉट फाइंड द ओल्ड लेडी। लेकिन वह उस ओल्ड लेडी को ढूंढ नहीं सका। ऑन द वे होम, रास्ते घर के रास्ते में, ही डोनेट्स द लैपटॉप टू अ कम्युनिटी सेंटर फॉर चिल्ड्रन। उसने उस लैपटॉप को बच्चों के कम्युनिटी सेंटर पर डोनेट कर दिया। ही इवन गिव्स देम सम ओल्ड बुक। और बल्कि उसने कुछ पुरानी किताबें भी वहाँ दी। रवि रियलाइज दैट स्टीलिंग लैपटॉप वॉज नॉट वर्थ इट। रवि को रियलाइज हुआ कि चुराया गया लैपटॉप किसी भी काम का नहीं था, वो बेकार था। वेन यू स्टील समथिंग, अगर आप कुछ चुराते हो, इट लूजेस इट वैल्यू। वह अपनी वैल्यू खो देता है। ओनली द राइटफुल ऑनर्स कैन यूज देयर थिंग्स हैप्पीली।
जो उनके ओनर्स होते हैं, जिनकी वो चीज़ें होती हैं, वो ही उनका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अ थीफ इज ऑलवेज डिस्पेस्ड एंड मॉक्ड एट, एक चोर जो है हमेशा डिस्पाइज होता है, वो हमेशा मॉक रहता है। स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, गुड लक।